सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विसुजहि। फ्रेंड्स जय माता दी। आज हम सभी इस वीडियो में अगला स्त्रोत का पाठ श्रवण करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसके पूर्व आपको सापोद्धार मंत्रों का पाठ करना चाहिए, फिर आपको देवी कवच, फिर अर्घला स्तोत्र और फिर कीलक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम अर्घला स्त्रोतम का पाठ करने जा रहे हैं हिंदी सरल भाषा में। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। एक बार हम सभी माता के श्री चरणों को याद करते हुए कोटि कोटि माता के चरणों में नमन करके स्वर्ण का कमल अर्पित करते हुए माता से विनय करते हुए माँ अपनी कृपा करें, माँ भगवती दया करें, इस भावना के साथ पाठ शुरू करते हैं। अथ अर्घला स्त्रोतम। मार्कण्डेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। माँ कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो माँ आपकी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो, माँ आपकी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है, माँ कोटि कोटि प्रणाम है। फ्रेंड्स अर्घला स्त्रोत में केवल नमस्कार ही वर्ड यूज किया गया है, परंतु ये मेरे मन का भाव होता है। जब मैं माता को नमस्कार से ज्यादा मैं कोटि कोटि प्रणाम बोलना पसंद करती हूँ। मधु और कैटब दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। माँ तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, कोटि कोटि प्रणाम है। माँ तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्तबीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुम निशुम और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो, मुझे रूप दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप, विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझसे अधिक बल प्रदान कर रूप यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो, और हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी मेरी इच्छानुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाले सुंदर पति को मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तसती रूप महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। भक्तों, हे माता रानी के संतान, उनके भक्तों, ये था अगला स्त्रोत। अब हम सभी किल का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई भूल गलती त्रुटि मुझसे हो रही है पाठ में, तो आप मुझे क्षमा करें। और आप सभी के सिर चरणों में नमन करते हुए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि और भी जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। श्री अम्बे मात की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। भक्तों, हम सभी सर्वप्रथम एक बार माता प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विद्या सुखदाता को प्रणाम करते हुए और कार्तिक महाराज का स्मरण करते हुए अब कीलक स्त्रोतम का पाठ आरंभ करेंगे। हिंदी में सरल भाषा में मैं पाठ करने का ट्राई करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अथ कीलक स्त्रोतम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्रों वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अंत चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु कोटि कोटि प्रणाम है, भगवान माँ कोटि कोटि प्रणाम है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तसती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको
इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तसती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चौदस अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्र होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों के पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता है। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता है और मरकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तसती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधित जानकारी के पश्चात ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इन निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का शनि शनि पाठ करने से भी स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति किलिकम स्तोत्रम समाप्तम। मित्रों, ये था किलक स्तोत्रम का पाठ। श्री अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।